Hello everyone. Today again we are going on our chapter 3, pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. In further few videos we had learned about pollination, type of pollination and methods of pollination. Fertilization and double fertilization, triple fusion. डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एग इट फॉर्म एम्ब्रॉय, वेयर ए सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलार न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म एंडोस्पर्म. तो टुडे आर टॉपिक इज एंडोस्पर्म. व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है? एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के वक्त ही बनता है. एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के वक्त ही बनता है, बट जिम्नोस्पर्म में याद रखिएगा द एंडोस्पर्म टेक प्लेस अर्लियर देन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है एंड इट इज हैप्लॉइड. ये भी याद रखिएगा पॉइंट, इट इज हैप्लॉइड. जबकि ये क्या है, ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है. इसके अंदर 3N होंगे, है ना, और 3N ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगी. क्या बनेगी? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. किससे? ट्रिपल फ्यूजन से. तो ये होंगे अपने पास क्या, 3N. ओके, अब हम लेते हैं इनके टाइप. डेवलपमेंट के बेस पे देयर आर 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. किसमें? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं. डेवलपमेंट की बेस पे हमारे एंडोस्पर्म कितना, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोवियल. ओके, न्यूक्लियर में क्या होते हैं, जो एंडोस्पर्म की जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है वो फ्रीली डिवाइड हो जाती है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और खूब सारे न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं और वो न्यूक्लियस अपने आप को चारों तरफ पेरिफेरल साइड पे किनारे की ओर सेट कर लेते हैं और एक सेल्यूलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और बीच में बड़ा सा वैक्यूल्स बन जाता है. ओके, जैसे एग्जांपल हम नारियल ले सकते हैं. नारियल का जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड एंडोस्पर्म है और उसमें खूब सारे न्यूक्लियस तैरते रहते हैं. तो लेट्स वी टेक आवर टॉपिक. डेवलपमेंट के बेस पे हमारा एंडोस्पर्म 3 टाइप का है. फर्स्ट टाइप लेते हैं, 3 टाइप्स. तो न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोवियल. न्यूक्लियर के बारे में सबसे पहले लेते हैं. देखिए हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर के अंदर जो इस तरीके की अपने पास ये हो जाता है अपना एम्ब्रॉय सैक. इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो फ्रीली डिवाइडेड होते हैं. न्यूक्लियस आर फ्रीली, जो हमारा द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री डिवाइड एंड फॉर्म फ्री न्यूक्लियस एंड फॉर्म सेवरल फ्री न्यूक्लियस. तो द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड प्रोड्यूस मेनी न्यूक्ली. तो ये खूब सारे न्यूक्लियस अपने पास हो गए. ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस दे सेट देमसेल्फ या अरेंज देमसेल्फ एट प्रेफरल साइट ऑफ द दिस अरेंज देमसेल्फ एट द प्रेफरल साइट और सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल्स बन जाएगा एंड अ बिग वैक्यूल्स फॉर्म इन बिटवीन इन द सेंटर. ये बन गया हमारा बड़ा सा वैक्यूल्स. ऊपर एम्ब्रॉय बना देते हैं. ओके, ऊपर हो जाएगा एम्ब्रॉय, जिसकी फॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे एम्ब्रॉय किस तरीके से बनता है. ये एम्ब्रॉय हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द एम्ब्रियो और ये हो जाएगा हमारे पास वैक्यूल, है ना. ये हो जाएंगे सारे फ्री न्यूक्लियस. इसे कर दीजिए फ्री न्यूक्ली. ओके, और ये न्यूक्लियस किसमें होंगे, साइटोप्लाज्म में ऑब्वियसली. ये है अपना साइटोप्लाज्म. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो अपने प्रेफरल साइट पे अरेंज कर लेती है अपने आप को, बाद में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम अ वॉल इज डेवलप अराउंड ईच न्यूक्लियस एंड इट बिकम सेल्यूलर. चारों तरफ क्या होता है, एक वॉल बन जाता है और ये बाद में सेल्यूलर हो जाता है. 56% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं इस टाइप के होते हैं.
कोकोनट वाटर एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का. उसके अंदर क्या होती है, उसकी जो पानी होती है, उसकी पानी के अंदर क्या होता है, वो फ्लूइड जो होती है उसमें खूब सारे न्यूक्लियस तैरते रहते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म है. ओके, सेकेंड है हमारे पास सेल्युलर एंडोस्पर्म. सेल्युलर में क्या होता है, इस तरीके के बड़ा सा वैक्यूल नहीं होता. और द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो सेल वॉल ही बनाता है. एंड आफ्टर सेल वॉल इज फॉर्म्ड, ईच डिवीजन, हर डिवीजन पे क्या बनता है, सेल वॉल बनता है. हर डिवीजन पे सेल वॉल बनता है, जबकि इसमें फ्री न्यूक्लियस बन रहे थे और बाद में सेल वॉल बना रहे थे, है ना. तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल वॉल इज फॉर्म्ड एंड देयर आफ्टर सेल वॉल इज फॉर्म आफ्टर ईच डिवीजन. हर डिवीजन पे सेल वॉल बनता है. तो चलिए हम सेल्यूलर बना देते हैं. नाउ ये देखिए सेल्यूलर में सेल्स डिवाइड होंगी. देयर इजंट एनी वैक्यूल प्रेजेंट इन देयर, है ना. यहाँ कोई भी वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा. और इसमें क्या होता है, सस्पेंसर होता है. सस्पेंसर भी हम कल पढ़ेंगे अपने, जब हम एम्ब्रॉय पढ़ेंगे. सस्पेंसर्स क्या करते हैं, सकस का काम करते हैं. इसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं एम्ब्रॉय के लिए. ओके, एम्ब्रॉय जब ट्यूमर और रेडिकल जड़ और तना बनाता है, एट दैट टाइम सकस का काम करते हैं सस्पेंसर्स. तो इसमें सकर्स होते हैं, है ना, इस टाइप में, जो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं. अब आता है हेलोबियल. ये क्या है, एक्चुअली इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच का. इसमें क्या होता है कि फ्री न्यूक्लियस भी होते हैं और सेलुलर टाइप भी होता है. तो द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन सेल वॉल इज फॉर्म्ड. सबसे पहले में सेल वॉल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है. जो बड़ा सेल होता है वो एग की तरफ होता है और जो छोटा सेल बनता है वो चैलेजल एंड की तरफ होता है. तो द न्यूक्लियस ऑफ स्मॉलर सेल टूवर्ड्स द चैलेजल एंड एंड कीप डिवाइडिंग फ्री, तो खूब सारे न्यूक्लियस बनाएगा. बट द सेल वॉल इज नॉट फॉर्म, उसमें फ्री डिवीजन होता है और सेल वॉल नहीं बनता है. इस तरीके से देखिए, ये चैलेजल एंड की तरफ ये फ्री न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है और वॉल नहीं बन रहा है. बट जो बड़ा सेल होगा, द न्यूक्लियस ऑफ बिगर सेल टुवर्ड्स द एग कीप डिवाइडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल टेक प्लेस. इसमें सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा. इसे बना देते हैं ताकि आपको एक जैसे ही लगे. कीप डिवाइडिंग एंड फॉर्म सेल. तो इट इज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म बिटवीन द बोथ टाइप. इन दोनों टाइप के एक इंटरमीडिएट, द अबव टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सॉरी द गिवन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिटवीन द एग्जाम्पल बिटवीन द बोथ तो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इट इज एन गुड एग्जाम्पल of intermediate of nuclear endosperm and cellular endosperm. दोनों तरीके का इसमें मिलता है. ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं हमारे पास. तो ये है हमारा endosperm. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है endosperm का फंक्शन आपको पता ही है. वी हैड डिस्कस endosperm प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द embryo and हाउ इट फॉर्म. अब हम ले रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. फल कैसे बनेगा, ओके, फल कैसे बनेगा एक्चुअली. तो हम पढ़ रहे हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. देखिए फ्रूट एक्चुअली कैसे बनेगा, जब हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, यानी दोनों के बीच जब सिंगेमी होता है, फ्यूजन होता है, तो एम्ब्रॉय बनता है. उसके पहले लेते हैं, ये है फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट में दिस वन इज ओवरी,
ओवरी और यहाँ होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर आपको पता है एम्ब्रॉय सैक होता है और न्यूसेलेस होता है ना। जब उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाते हैं। ये सीड में डेवलप हो जाएगा और ये फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट बनाएगा, जिसको कहेंगे फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट बनाएगा, चारों तरफ एक वॉल बनाएगा फ्रूट के, जैसे कहेंगे पेरिकार्प। ओके, तो ओव्यूल एंड ओवरी चेंज हो जाते हैं एंड ओवरी बनाता है ओवरी वॉल, जिसको कहते हैं फ्रूट के चारों तरफ ओवरी वॉल बनता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्प, एंड फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, है ना। तो ओवरी इज नाउ चेंज इनटू द फ्रूट। अब फ्रूट ओवरी से भी बनता है और कई फूल के दूसरे पार्ट से भी बन जाता है कभी कभी, तो उसके आधार पर ऑन द बेस ऑफ दैट द फ्रूट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट ट्रू फ्रूट या रियल फ्रूट भी इसको कहते हैं, और दूसरा है फॉल्स फ्रूट। है ना, देखिए ट्रू फ्रूट अगर ओवरी से फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट बन रहा है दैट इज ट्रू फ्रूट, बट ओवरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट जैसे कैलेक्स, करोला, है ना, थैलेमस, इनसे अगर ये इन्वॉल्व है फ्रूट को बनाने में देन इट इज नॉन एज फॉल्स फ्रूट। एप्पल इसका गुड एग्जाम्पल है। एप्पल के एक्चुअली आप बीज का जो बाहर बीज बीच में जो देखते हैं बीज और वो पार्ट, एक्चुअली वो पार्ट होता है ओवरी और अंदर बीज होता है ओव्यूल, बट उसके बाहर का पार्ट थैलेमस जो होता है वो बनाता है फ्रूट, हम उसको खाते हैं, तो वो होता है फॉल्स फ्रूट। हम ओवरी को नहीं खा रहे, ओवरी फ्लैशी पार्ट में फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट अपने पास एक और टॉपिक है जिसको कहते हैं पैराथिनोकार्पी। पैराथिनोकार्पी फ्रूट फ्रूट्स, ओके, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, यानी कि फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाती है बिना मेल गैमेट से फर्टिलाइज्ड हुए, तो फ्रूट बन जाएगा। अच्छा, ऐसे फ्रूट में क्या बीज होगा? नो, दे आर सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट आर नॉन एज व्हेन द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, दस द सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म या सीड इज एब्सेंट इन दैट टाइप ऑफ फ्रूट, दैट फ्रूट आज नॉन एज पैराथिनोकार्पी फ्रूट्स एंड द प्रोसेस इज नॉन एज पैराथिनोकार्पी। अच्छा, एक और चीज बता रही हूं, इंड्यूस्ड पैराथिनोकार्पी। देखिए क्या होता है कि कभी कभी मार्केट के अंदर कुछ फ्रूटों को बिना सीड के डेवलप डिमांड होती है तो बेचा जाता है, तो हम वैसी फ्रूट जिसमें बीज ना हो, बीज वाले फ्रूटों को बिना बीज वाला बनाने के लिए क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे। प्रेजेंट टाइम में उसको क्या किया जाता है कि जो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है, उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन छिड़क दिया जाता है, ऑक्सिन एंड ज़िबरेलिन, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, किससे? मेल गैमेट से, और फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। जब नहीं होता है तो क्या होगा, कौन सा फ्रूट बनेगा? सीडलेस फ्रूट बनेगा, और इसको क्या कहेंगे? इंड्यूस पैराथिनोकार्पी। तो बाय स्प्रेइंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन द स्टिग्मा व्हेन वी गेट सम फ्रूट, सम सीडलेस फ्रूट, दैट इज नॉन एज इंड्यूस्ड पैराथिनोकार्पी। ओके, तो ये है अपने पास इंड्यूस्ड पैराथिनोकार्पी। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, एंडोस्पर्म, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। पैराथिनोकार्पी पूछा जाता है, एग्जाम में आता है। फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल एप्पल पूछा जाता है, पैराथिनोकार्पी में बनाना अपने पास है ग्रेप से, ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक ले रहे हैं
अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसमें सेप्रोफाइट एंड गैमेटोफाइट, देखिए हमें पता है कि सबसे पहले जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जायगोट बनाते हैं, जायगोट यानी कि 2N, जायगोट यानी कि 2N। जायगोट में फर्दर डिवीजन होता है, मिटोसिस डिवीजन, और डिवीजन होने से उसके अंदर और ज्यादा डिवीजन होते जाएगा और क्या बनाएगा, रूट सूट लीव्स, एंड देन बनाएगा रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम बनाएगा। ओके तो इसके अंदर हमारे पास, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये छोटी ये ज्यादा टाइम की है या थोड़े से टाइम की है, ये लॉन्ग, ये पीरियड होने में क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रोसेस है, इसमें ज्यादा समय लगता है बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो गैमेट का फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन इससे होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, स्पोरोफाइटिका होगा, और जायगोट में डिवीजन होगा तो जड़ पत्ती तना ये सब बनेगा, फूल बनेगा, फिर फूल वापस डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे, ये मेल और फीमेल गैमेट बन गया, फिर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, जायगोट बनेगा, और जायगोट फिर वापस सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन करने के बाद पौधा बनाएगा, मैच्योर फेज होगा, वेजिटेटिव फेज जब ग्रोथ करेगा तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाएंगे मेल एंड फीमेल, और मेल और फीमेल मैच्योर होके फिर बनाएंगे गैमेट। तो ये स्टेज एक के बाद एक चलता रहता है लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, डेप्लॉइड और हैप्लॉइड, कभी डेप्लॉइड कभी हैप्लॉइड स्टेज अल्टरनेट होते रहता है एक दूसरे के, एंड इट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो सेप्रोफिटिक इसमें क्या होता है, सेप्रोफाइट में वेजिटेटिव गैमेट बनता है, सॉरी जायगोट बनता है, और जायगोट के अंदर लगातार वेजिटेटिव फेज, लगातार सेल डिवीजन होते रहते हैं, और सेल डिवीजन से प्लांट का रूट सूट एंड लीव्स बनाता है, और फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो फ्लावर बनाता है, फ्लावर के अंदर स्टैमेन बनाता है ना, स्टैमेन बनाता है और पिस्टिल बनाता है, यानी फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम में फीमेल पार्ट के, मेल पार्ट के अंदर जो पॉलन चैम्बर होता है, पॉलन चैम्बर के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन से गैमेट बनता है, कौन सा गैमेट बनता है, मेल गैमेट बनता है, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। मियोसिस डिवीजन से मेल गैमेट माइक्रोस्पोर बनता है, और जबकि वहीं फीमेल पार्ट के अंदर ओवरी में सेल डिवीजन होता है, और ओवरी में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन से मेगा स्पोर बनता है, क्या बनता है, ओव्यूल में मेगा स्पोर, और दोनों जब फ्यूज होते हैं तो फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, वापस एक जायगोट बनाते हैं। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में कंटिन्यू रहता है, और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ओके तो आज के लिए